बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तैयार करने लगे हैं डबल फ्लेवर के साथ पराठे, आलू और मूली के मिक्स पराठे आज हम तैयार करेंगे। जिसके लिए तकरीबन 1.5 kg ये मेरे पास मूलियाँ थी, इनको मैंने छील के तो ग्रेट कर लिया है। अब इसको निचोड़ के इस तरीके से तो मैं कढ़ाई में डालती जाती हूँ। ये मूलियाँ देखे निचोड़ के मैंने कढ़ाई में डाल ली हैं। अब हम इसमें डालते हैं कुछ मसाले। नमक 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश्क कसूरी मेथी, 2 टेबल स्पून हरा धनिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून ही पुदीना। अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं और इसको पकाते हैं इसके पानी खुश्क होने तक। 1 टेबल स्पून अनारदाना है जिसको मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया है, ये हम इसमें शामिल करते हैं। 4 से 5 अदद चॉप की हुई हरी मिर्ची हम इसमें शामिल करते हैं। मूलियाँ जो है वो हमारी बिल्कुल भून चुकी हैं, देखिए मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गई हैं। अब फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने का इंतजार करते हैं। 1/2 kg हमने आलू लिए जिनको मैंने बॉयल कर लिया है, इनको ग्रेटर की मदद से मैं ग्रेट कर लेती हूँ। ये देखिए आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं। अब जो हमने मूली का मसाला तैयार करके रखा है उसमें आलू मिक्स करते हैं। अब ये ग्रेट किए हुए आलू जो है इस मसाले में डालते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जी आलू और मूली का मसाला हमने तैयार कर लिया, अब इसके पराठे तैयार करते हैं।